चली जाओ सीधी। हेलो दोस्तों, जय कृष्णा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, वेलकम बैक टू द न्यू ब्लॉग। तो गाइज अभी बहुत ज्यादा लेट हो गई, मैं कहीं बाहर गई थी बहुत इम्पोर्टेंट काम से, कुछ बहुत छोले मिले इधर, उसको टोस्ट छोड़ने देते हैं, फिर नाश्ता करके आज हम जाएंगे कहीं बाहर। तो आज का ब्लॉग जो है पूरा आउटडोर रहने वाला है, तो बने रहिए ब्लॉग में एंड तक। सो गाइज अभी हम लोग निकल चुके हैं सरोजनी मार्केट के लिए, तो अभी रेडी हो गए हैं मैं भी, भाभी भी, और फाइनली भाभी भी जा रही है हमारे साथ। पहले वो नहीं जा रहे थे बट उन्हें रेडी कर लिया हमने, अब हाय तो कर दो। हेलो शर्मा भैया, हेलो हेलो। तो ये शॉपिंग की तैयारी कर रहे हैं कि देखते हैं कितने का मिलता है। तो इनका कहना ऐसा है कि सरोजनी मार्केट में 100 रुपीज़ की जीन्स मिलती है, तो सीरियसली मिलेगी तो मैं भी लेके आऊँगी, तो अभी बने रहिए ब्लॉग के साथ। सो गाइस ये है भाभी की यहाँ की मार्केट, इसको बोलते हैं पंखा मार्केट, यहाँ क्योंकि पंखे ही पंखे मिलते हैं बहुत सारे। तो अभी हम जा रहे हैं फ्रेंड के पास, आई मीन फ्रेंड की सिस्टर है, तो देखते हैं वो आती है और फिर हम जाएंगे सरोजनी मार्केट, तो आपको टूर कराएंगे सरोजनी मार्केट का। सरोजनी में लेंगे ना हम भी। तो गाइस ये हमारी फ्रेंड गुनगुन, हेलो, जो हमारे साथ जा रही है सरोजनी नगर। शूट हो गया, स्टार्ट हो गया, हो गया, हो गया। हाय परफेक्ट। हेलो गाइस, तो गाइस ये लेके जा रही है मैं सरोजनी, और यहाँ बहुत शोर हो रहा है इसलिए बहुत लाउड बोलना पड़ रहा है। तो अभी ब्लॉग बंद करते हैं और सीधा आपको मिलेंगे सरोजनी मार्केट में। तो थोड़ा सा बस, थोड़ा थोड़ा सा। हेलो गाइस, ये आज तक भी तो गाइस हम लोग हो चुके हैं सरोजनी मार्केट के अंदर, और मैंने बहुत ही अमेजिंग चीज़ देखी। मैं पहले भी सरोजनी आई हूँ लेकिन मैंने ऐसा रेट नहीं देखा सीरियसली। तो आपको दिखाती हूँ, तो प्यारे प्यारे कोट से भैया के पास लेडीज के, लेकिन प्राइस सिर्फ भैया से पूछते हैं कितना है, कितना प्राइस है भैया? 50 रुपीज़ मैडम, मात्र 50 रुपए में। देखिए कितने प्यारे प्यारे हैं। सो सीरियसली, और गाइस मैं यहाँ से लेने वाली हूँ अभी एक कोट, तो देखते हैं कौन सा लेदर डिसाइड करते हैं। तो बताओ कौन सा अच्छा लगेगा? सब लूट गया 50 रुपए। अरे नहीं, मेरे को लेना सीरियसली यार। अरे ये शाम तक होते हैं। अच्छा आपको लेना, आप ले लीजिए 50 रुपए। ओके, अगर आपको जीरो बढ़ानी है तो बढ़ा सकती हो। नहीं 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 बढ़ानी यार, है ना? नहीं, ब्लॉगिंग हो रही है। सो देख, प्रैंक नहीं है भैया, सीरियसली 50 रुपए का है ये, कोई प्रैंक नहीं है। बहन बहन की ले लो यार, भैया बहन है, मम्मी है, ले सकते हो किसी के लिए भी। वो तो आगे अपना स्टार्टिंग करो। सो गाइस ये देखिए, पकड़, हाँ तो कंडीशन दिखा दी, दिखा, ये कंडीशन है कोट की। सो गाइस ये देख सकते हैं, बहुत ही प्यारा, ओनली मात्र 50 रुपए, हिंदी शुद्ध हिंदी। सबसे प्यारा मेरे को ये वाला लग रहा है, ये मेहरून कलर का जो है, ये देखो वो सही लग रहा है। अरे नहीं पागल, चलो ये लंगर लेते हो आ रहे हैं, और क्या है जरा जूम करके दिखाया जाए। आय आय आय, क्या जी जी, क्या क्या खाते हो यार, क्या क्या खाते हो, इतना कड़वा पट्टा, कितने चक्कर, बच्चे छोड़ दिया खाने का चक्कर में यार, मतलब इतना कौन करता है यार, मतलब इतना कौन करता है। बच्चे रखने वाले देखो, वो देखो कितने केयरिंग है अपने बच्चों के लिए, मतलब छोड़ा नहीं उन्होंने बच्चा। और आप जाएगा थोड़ी देर में, देखो यार अपने आप कितने चटकारे लेके खाया जा रहा है मुझे मजे से। सो गाइस आपको मिलवाते हैं एक बार अमेजिंग मार्केट से, जहाँ पे रेट है ओनली 50। तो पूछते भैया कितने का ये? 50 रुपए का मैडम, मात्र 50 रुपए। और दिखाते हैं आपको कैसे कैसे, देखिए ये 100 रुपए का, ये बेशक वहाँ पे थोड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन इसके ऊपर कुछ पहन के दीदी चली जाओ सीधी। ये अंकल का पुराना डायलॉग है, दीदी चले जाओ सीधी और ले लो टॉप। 50 50 शाड़ा में बना लो थोड़ा। आस्था दीदी ये क्या कर रहे हो? कोट कोट चौका है, देख लो बढ़िया ब्रांडेड वाला है। इसके लिए कोई लाइन जैसा भी लाइन थी ना, दीदी चले आओ सीधी, इसके लिए भी कुछ बोलो अंकल जी। ये आपका ध्यान किधर है मैडम जी, कोट है 100 रुपए में इधर है। ओके नाइस। आस्था दीदी को एक पीस निकल के आया, दिल भाग गया, ये पसंद आ गया बहुत ज्यादा, तो हम लिए लेने वाले हैं अभी। तो भैया देखते हैं कितना डिस्काउंट करते हैं मेरे लिए। क्या बाबू वो ब्रुम ब्रुम गाड़ी चलाओ, ब्रुम ब्रुम। सो दीदी जा रही है अंदर मार्केट, मेन मार्केट स्टार्ट होगी अब, ठीक है? अब तक ये छोटा मोटा था जो था, तो हमने दो टॉप लिए अभी तक,
अब देखते हैं आगे क्या लेंगे। ये चलो, जिसका कोई सहारा नहीं वो अकेले सहारा। ये देखिए, ये देखिए, अकेले अकेले सहारा। ये वापिस जा रहे हैं, इनकी मार्केट हो चुकी है। चलिए भाई चलिए, अभी कुछ नहीं दिखेगा। यार एक मिनट, तो इसको शूट करना पड़ेगा, तो हम इसको सुखा रहे हैं। चलो मैडम, कैसे शूट कर रहे हैं? हाँ, मुझे इतना पता नहीं है यार, ये ना बड़ा वो बोल तो अभी इन्होंने शूट कर लिया बहुत सारा, और तो बाकी का शूट अब मैं कर रही हूँ नमी करने के साथ में। इसके चलते बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा। और संडे रहती है, मंडे रहती है, संडे मंडे मंडे संडे रहती बहुत ज़्यादा भीड़। हाँ बेटा, तो अभी देखते हैं और क्या लेंगे। अभी देखो खाली मैंने थोड़ा टॉपिक खरीदे हैं, और इसके अलावा तो कुछ पसंद नहीं। पसंद तो बहुत कुछ आ रहा है, पर सोच समझ के लेना पड़ेगा। ये दोनों कहाँ गए? हेलो, अरे हेलो कर लो भाई, हेलो। तो लोगों का इंटरेस्ट आ रहा है ब्लॉग के अंदर, आई होप कि आप लोगों को भी आएगा। तो गाइस प्लीज, अगर जिसका इंटरेस्ट आएगा तो दिखाना है इंटरेस्ट, वीडियो को लाइक जरूर करना है, बिना स्किप करे। तो मुझे भैया की तरह बोलना पड़ेगा लगता है। लाइक करे, लाइक करे, लाइक करे, लाइक करे, लाइक करे, लाइक करे। तो चलते हैं अभी, देखते कुछ ज्वेलरी वगैरह। मुझे इयर रिंग्स वगैरह लेने हैं, इयर रिंग पसंद आएगा तो इयरिंग लेंगे हम लोग। तो देखिए आपको दिखाते हैं मार्केट अभी बहुत ज्यादा ही भीड़ भड़कता है। मैं के लिए ये कलर नहीं है, ले लो यार, पता करूँ गाइस कैसा लग रहा है नमे के लिए। और ये रो रहा है नीचे, देखो आ जा इधर, इधर आ। देखने तो आप दिल्ली वाले इधर आते हैं। मैं देख रहा था उनका क्लाइंट। सुन, समझ नहीं आता, ले लेना मेरे। सो फ्रेंड्स, ये लोग जा रहे हैं कैमरे का स्टैंड पता करने, क्योंकि ऑनलाइन तो बस की नहीं है लेने के लिए, तो ऑफलाइन ही चेक करा जाए कितने का है कितने का नहीं है। ऑनलाइन तो बस की नहीं है लेना, क्या करें, ऑफलाइन ही देख सकते हैं हम लोग। इतना महंगा, बहुत ज्यादा महंगा। सो गाइस, यहाँ बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है, मतलब निकल नहीं सकते हम यहाँ से। ये देखो भीड़ में चलते हुए बहुत मेहनत चल रही है। बाप रे, बच्चों के साथ हालत खराब, तो इनकी टकरे लग रही, टकरे लग रही है। यहाँ पे शूट करना पड़ रहा है, तभी मोटी मोटी आंटी आगे घुस रही है। सो गाइस, नमे कह रहा है खोलो खोलो, नमे को ये पसंद आ रहा है। खोलूं, पैसे कौन देगा, पैसे कौन देगा, इसके पैसे कौन देगा, इसके मेरे पास तो नहीं है। दीदी को बोल दे, दीदी को बोल दे, दीदी खोलेंगी। दीदी को बोलो, इन दीदी को बोलो, इनको इनको बोलो, इनको इनको बोलो। अरे मत खोलो, मत खोलो, मत खोलो, कुछ और। सो गाइस, अभी आपको एक भैया से मिलाएंगे हम, तो ये शूट करेंगे। अभी नवे में को तंग कर रहा है, तो उसको देते हैं कैमरा, और ये बताएगी कुछ भैया के बारे में। तो आप लोग जितना हो सके इनकी हेल्प करें। सरोजनी नगर मार्केट में भैया मिले हमें, तो हम दिखा देते हैं। ये वो भैया रहते हैं। तो क्या हुआ था इनके साथ, तेरे को पता है? तो बता, बिजली गिर गई थी इनके जोर से, इनके सिर पे बिजली गिर गई थी और बिजली का तार गिरा था। दिखाना भैया सर आपका एक बारी। ओके, तो बहुत बुरी तरह इनके सर पे बिजली गिरी। हाँ ठीक है, चलो। तो ये देखिए पूरे पैर पे भैया के। तो जितना हो सके भैया उन भैया की हेल्प करें। सरोजनी नगर मार्केट में आपको भैया मिल जाएंगे, तो इनकी हेल्प करिए। देखिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है भैया, बहुत बुरी तरह इनके पैर वैर है, पूरी तरह बिजली गिरी थी। आपका दीदी का प्लान है कि चश्मे ट्राई करेंगी, और इन्होंने लेना नहीं है, ये जा रही हैं बस ऐसी पता करने। तो चलते हैं चश्मा के पास, आ जाओ भी, आ जाओ। सो ये दीदी चश्मे ट्राई कर रही हैं। आप तो कल कमेंट करके मैं ले लूंगी। ओ आता, रुक जा तू। देखो आप डाल के,
उसने मना कर दिया। यार ये वाला अच्छा लग रहा है, पर मैं कह रही हूँ ये जो चेंज है ये वाला सर्कल में है। गाइस मेरे पास इसमें ज्यादा सारा कलेक्शन है इसलिए मैंने नहीं लिया। चुप, देखो है ना सर्कल वाला। मेरे पास बहुत तगड़ा कलेक्शन है गॉगल्स का। तो गॉगल कितने कितने की रेंज है? यू लुक लाइक अ टू मच एजुकेटिव पर्सन। ये अच्छा लग रहा है ना जब मैंने पहले निकाला था। ये तो आस्था जी को ये पसंद आ गया है तो ये कह रही है अब मैं यही लूंगी। चक्कर नहीं, चलो थोड़ी बार्गेनिंग करते हैं है ना, थोड़ी बार्गेनिंग करके अंकल को मनाते हैं। अंकल का ऑनलाइन पेमेंट ले लो। तीस रुपए की सेल में खाएगा, शिपिंग खाएगा। चलो गो एंड टेक। तो भाई लो आगे हो जाओ मैडम। मैडम यार बताओ ना कौन से अच्छे लग रहे हैं? हाँ जो ठीक लगे ये वाले अच्छे हैं। अच्छे हैं ना सूट वूट के पहनने के लिए। पक्का फिक्सिट हो गया ना? एसी का ले लो, वॉशिंग मशीन का, फ्रिज का, एसी 200 की चार चार टू फिफ्टी। क्या करूँ क्या करा जाए? सोनी की ले लो भाई, लिया जाए कि नहीं लिया जाए? हाँ 200 बोल दो उनको। मैं झुकेगा नहीं सर, भैया का ये है कि मैं झुकेगा नहीं। ब्लैक लेने झाट के रही हूँ मैं तो लेने तो ये ले उनसे पैसे कम कर लो भैया कुछ बोला नहीं मेरा पैसे नहीं। A few moments later आस्था दीदी परेशान हो चुकी है इस भीड़ में। ये कह रहे हैं कि घर चलो बस। मैं नहीं कह रही, भाभी कह रही है। बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है, बहुत भीड़ है। देखो अभी तो कुछ भी नहीं, बहुत भीड़ है यार, बहुत भीड़ है। तो आस्था दीदी तो आज परेशान हो गई आके यहाँ पे। भागो अंकल जल्दी भागो, आ रहे आ रहे, माल उठाओ जल्दी। ये कमेटी वाले मार्केट साफ हो जाएगी। तो दीदी परेशान हो गया यार, अब ये बाहर आ चुकी है, ये बाहर आ चुकी है ठीक है। और इतनी भीड़ थी मतलब चला भी नहीं जा रहा था, बहुत भीड़ थी। आज तो संडे का भी रिकॉर्ड टूटा, मतलब थोड़ा बहुत हाँ, कोई बोल भी रहा था संडे नहीं, फिर भी इतनी भीड़ है। संडे को तो ये लोग पैर नहीं रख सकते, इस मार्केट में इतनी हाहाकार होती है। अभी बच्चा लेके आ गया है वो भी नहीं हो पाएगा। उनको देखो पीछे इनकी हालत देखो, इन एक्सपीरियंस कैसा था? बोला नहीं जा रहा इसको ले लेके, वरना तुम्हें ये देख रहे हो इसको, ये बहुत शैतान है। ये लड़का गोदी से नहीं उतरा है बिल्कुल। सो गाइस शॉपिंग हो गई है और हम कर रहे हैं पेट पूजा। तो मैंने लिया है सैंडविच और इन्होंने लिया है आलू पेटी। और आप क्या ले रहे हो? आप क्या ले रहे हो? पेटी। ये भी आलू पेटी ले रहे हैं तो ना मैं कभी ये खिलाऊं ना मैं ये खाएंगे हम बस। लो मम्मा खिलाए आपको। सो गाइस फाइनली शॉपिंग हो चुकी है कम्प्लीट। हमने हाँ हाँ रुक जा मैं बोल ले दे। तो बहुत से सामान हमने ले लिया जो हमें चाहिए था। तो ये देखिए शॉपिंग में शान भाई को पकड़ा रखी है हमने, तो सर्वेंट बन गए बेचारे ये। और अब हम लोग जा रहे हैं वापस घर और कैमरे की बैटरी भी डिसऑन होने वाली है। तो गाइस ब्लॉग को मैं यहीं पे भी खत्म करती हूँ और कल आपको मजेदार ब्लॉग देखने को मिलेगा हमारा। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ओए शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और शाना भी आप कुछ बोलोगे? हाँ।